हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा रिएक्ट जेएस का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि प्रॉप्स क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि पिछला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, जिसको आप देखकर आप समझ सकते हैं कि प्रॉप्स हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम डायनेमिक डेटा को यूज कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सीरीज का पिछली वीडियो जरूर देखिए। आज जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि पासिंग डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। दोस्तों, इसमें हम ये देखेंगे कि पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट पर डेटा कैसे पास करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही यूजफुल है प्रोजेक्ट के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम दो कंपोनेंट के बीच में डेटा को पास कर सकते हैं और दोनों के बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि रिएक्ट जेएस का लाइव क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। आप इंक्वायरी करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारा लाइव क्लास, जिसमें कि हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि पूरा रिएक्ट जेएस, जावा स्क्रिप्ट, बेसिक, एडवांस, ES6, ES7, बेबल, बेपैक, रेडक्स, सब कुछ पढ़ाया जाता है विद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। रिएक्ट जेएस में प्रोजेक्ट डेवलप करना भी सिखाते हैं लाइव क्लास में। तो आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है और मोबाइल नंबर्स भी हैं, जिस पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। पासिंग डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। अब पेरेंट और चाइल्ड का कैसे बनेगा कॉम्बिनेशन, मतलब चाइल्ड वाला सिलेक्ट उठा करके पेरेंट के कंपोनेंट के अंदर लिख देंगे, तो हमारा वो पेरेंट बन जाएगा और ये चाइल्ड बन जाएगा। तो देखिए, वी कैन पास सम इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन बोलिए या डेटा बोलिए, फ्रॉम आवर पेरेंट कंपोनेंट टू द चाइल्ड कंपोनेंट एज प्रॉप्स। वी कैन पास एज मैनी प्रॉप्स एज यू वॉन्ट ऑन अ कंपोनेंट, जितनी मर्जी है आप उतना पास कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, प्रॉप्स आर आल्सो हाउ यू पास डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर एज ए प्रॉप्स, ठीक है। प्रॉप्स आपको ये डिफाइन करता है कि आप कैसे डेटा पास कर रहे हैं, ठीक है, कितना पास कर रहे हैं, जितना मर्जी आप उतना पास कर सकते हैं, प्रॉप्स आपको अलाउ कर रहा है, ठीक है। देखिए, यानी कि मैं इसको बंद कर देता हूँ, वैसा ही कुछ एग्जाम्पल मैं बना देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर बना दिया हमने PARENT पेरेंट कंपोनेंट कंपोनेंट, ठीक है। मान लीजिए हमने क्लास कंपोनेंट ले लिया, कोई रीजन नहीं है। देखिए, अभी हमने कोई डिफरेंस नहीं बताया है, ठीक है। अभी आप लोग का ऐसा माइंड में आया है कि मैं कहीं पर क्लास ले ले रहा हूँ, कहीं पर फंक्शन, हमारी मर्जी जो मेरे माइंड में आ रहा है वो मैं ले ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैंने डिफरेंस नहीं बताया है, पढ़ाया है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जब तक मैंने डिफरेंस नहीं पढ़ाया है, तब तक आप लोग भी फ्री हैं कि कभी भी कोई भी यूज करिए, ठीक है। आप लोग के माइंड में जो आएगा वही यूज करिएगा, लेकिन जिस दिन हम लोग डिफरेंस पढ़ लेंगे, उस दिन से हमारे माइंड में होनी चाहिए कि कब क्या हमने यूज करना है। लेकिन वो चीज मैं तभी पढ़ा पाऊंगा जब स्टेट, प्रोटोटाइप्स, प्रॉप्स खत्म हो जाएगा और थोड़ा बहुत लाइफ साइकिल भी देख लेंगे, तब क्लियर होगा, ठीक है। क्लास मैंने नाम दे दिया यहाँ पर PARENT पेरेंट एक्सटेंड्स React डॉट कंपोनेंट रेंडर, ठीक है। अब इसके अंदर रिटर्न लिखना पड़ेगा हमने, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए हमने दे दिया H2 और क्या लिख दूं कि PARENT पेरेंट कंपोनेंट, ऐसे कुछ इंडिकेट कर दिया कि पेरेंट कंपोनेंट है ये, इसी को मैंने कॉपी किया। अभी देखिए, अभी हमने पेरेंट और चाइल्ड जस्ट नाम दिया है, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया हमने। और यहाँ पर CHILD चाइल्ड दे दिया हमने, चाइल्ड चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। अभी इस चाइल्ड कंपोनेंट में मैं क्या करता हूँ, ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट में मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया एक H3 H3 को क्या करा दूँ, नाम दिखा देता हूँ कि हेलो, और यहाँ पर मान लीजिए हमने
लिया दिस डॉट पी आर ओ पी एस प्रॉप्स डॉट, मान लीजिए मैंने यहाँ पर नेम दिखाना है, ठीक है। अब ये प्रॉप्स कहाँ से आएगा, जब इसमें हम लोग पास करेंगे, ठीक है। मान लीजिए पहले हमने कर ही दिया, इसको उठाया हमने और यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब ये चाइल्ड बन गया हमारा चाइल्ड कंपोनेंट और पेरेंट बन गया हमारा पेरेंट कंपोनेंट। अब हम जा करके हमने रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया दोनों में। अब यहाँ से चूंकि अब चाइल्ड को हमने डायनेमिक करना पड़ेगा, डेटा यहाँ पर पास करूंगा मैं, यहाँ पर मैंने पास कर दिया एक नेम और नेम में डाल दिया हमने अजीत, ठीक है। और क्या कर दूं, एक और चीज कुछ और एक और चीज पास ही कर देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए हमने दे दिया एज, क्या करना पड़ेगा एज में, मान लीजिए हम यहाँ पर जानबूझ के एक्सप्रेशन में लिखता हूँ कोई कि 25 है प्लस 2, ठीक है, ताकि ऐसा भी माइंड में रहे, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं तो हम जैसे वाला कोड भूल जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब इसको हमने रिसीव करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और चीज मैं यहाँ पर लिख दूँ H3 और यहाँ पर लिखता हूँ कि एज एज इज एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन दिस डॉट प्रॉप्स एज, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा हमने रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, अब किसको करना पड़ेगा हमने रेंडर, पेरेंट को, ठीक है। देखिए हम जहां भी अभी लिख रहे हैं सेल्फ क्लोजिंग लिख रहे हैं, नहीं तो ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन हमने ऐसे लिखना पढ़ाया नहीं अभी, ठीक है। हम लोग क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हर चीज देख रहे हैं, जब तक नहीं पढ़ाया तब तक मैं यूज ही नहीं करूंगा, जब तक पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेल्फ क्लोजिंग, कहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग करते हैं, कहाँ पर ओपन और क्लोज टैग लिखते हैं, वो भी हम लोग आज के क्लास में हालांकि कवर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमने, अब मान लीजिए हमने ये गलती से लिखना भूल गया हम, ठीक है, यहाँ पर एरर नहीं आया, ठीक है, एरर यहाँ पर हमारा आ जाएगा, बता दिया कि टारगेट कंटेनर इज नॉट अ डॉम एलिमेंट, टारगेट कंटेनर आप देना भूल गए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जा करके कोड लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आई डी रूट। अब अगर आप आते हैं तो आउटपुट मिल जाएगा क्या, पेरेंट कंपोनेंट और उसके अंदर ये चाइल्ड कंपोनेंट आ गया, हेलो अजीत और ये, ठीक है। यानी कि हम लोग देख लिए कि पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा कैसे पास करते हैं, ठीक है, और चाइल्ड से पेरेंट में कैसे भेजेंगे अभी 2-3 क्लास के बाद मैं दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो है नहीं, वो एक्सेप्शनल है, वो मतलब कि जिसको जुगाड़ बोलते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हमें देखना होगा, लेकिन दिखाऊंगा। लेकिन अभी कोई भी पूछता है तो हमें हमारा आंसर ये होगा कि चाइल्ड टू पेरेंट डेटा हम लोग पास नहीं कर सकते, ठीक है। अब मान लीजिए इसको अगर हमने क्लास लिखा था क्या, ठीक है, अगर मान लीजिए तो क्या करना पड़ेगा, वो भी आप कोड भूले नहीं है ना, अगर मुझे डिफरेंट फाइल में रखना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको उठा करके कॉपी, मान लीजिए दोनों को रखना है, दोनों जिसको रखना है उसको रख सकते हैं, मान लीजिए हमने दोनों को रखना है, दोनों को रख दिया हमने, ठीक है। और इस पेरेंट को यहाँ पर हमने रिएक्ट किया, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इतना कर दिया, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमने इम्पोर्ट React from React, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा यहाँ पर import, ठीक है, और यहाँ पर क्या था parent parent, ठीक है, ये सब करना हम लोग सीख लिए हैं, ठीक है। वैसे मैंने दिखा दिया एक बार, आउटपुट हमारा आ जाएगा, ठीक। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, हम आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे, आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।